वनीषा जी, वनीषा जी, वनीषा जी, वनीषा सामने लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, गोविंदा जी, एक सर, एक सर, सर राइट, सर राइट सर, सर स्ट्रेट सर, गोविंदा सर स्ट्रेट, सर इधर राइट सर, सर राइट साइड, थैंक यू सर, गोविंदा जी सामने, आपके गोविंदा जी सामने, थैंक यू टस 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 है सर, यहाँ पे खड़े रहिए, सुनो यहाँ पे, हाँ सर, वो रहेल तर बरेल, नंतर,
एक सोलो बिटल तरफ करो प्लीज सर। यस सर, हाँ बस बस सर, राइट है सर, हमने बोला था सर, समर सर लाइट, हाँ राइट है सर, मनीषा जी सर राइट से स्टार्ट सर, मनीषा में आप राइट 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 बताओ स्टेप बताओ यार, ऐसा मत कर All of you state. Done? Thank you. Thank you.
इससे पता चलता है कि यहाँ पे पेड ऑडियंस नहीं आई है। हम लोगों को अपने शो की बहुत आदत है, बहुत तालियां बजती है, लेकिन फिर भी बजनी चाहिए यार, बजाओ जोर से बजाओ यार, क्या बात है। सबसे पहले मीडिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप सब लोग यहाँ पर आए, आ गया हीरो के प्रमोशन के लिए। एक बार मीडिया अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्या बात है। और उससे ज्यादा ताली जो है आज की जो हमारी गेस्ट है मनीषा कोराला जी के लिए, वेरी प्रिटी लुकिंग मैम, मनीषा जी के लिए जोरदार एक सीटी भी बनती है। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग को देख के डर रहे हैं लोग यहाँ पे, कौन टकला खड़ा है, बैठ जाए, आइए आइए जल्दी सेटल हो जाइए प्लीज, आइए आइए प्लीज, आप लोगों की बहुत जरूरत है, कैमरे वाले सब लोग। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हीरो साहब को। मैं एक चीज इनके बारे में कहना चाहूंगा कि जब भी ये स्क्रीन पे अपीयर होते हैं, चाहे ये कॉमेडी करें, एक्शन करें, रोमांस करें, मतलब धरती फाड़ कर आए, कांच तोड़ कर आए, या डांस कर कर आए, जब भी अपीयर होते हैं लोग एक ही चीज कहते हैं, वो देखो आ गया हीरो। द वेरी करिश्मेटिक, एक हंगामा है, और मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे मामा है, गोविंदा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार, प्रणाम, आप तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से तारीफ की तुमने। मुझे ये तो पता था कि मामा हूँ, हंगामा हूँ ये आज तक नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से जुड़े हुए जो मित्रगण आए हुए हैं, और मेरे लिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने वर्ष लग जाएंगे कि मैं आप लोगों के समक्ष एज अ हीरो, इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 इयर्स एज अ हीरो, आप लोग बहुत साल बाद मुझे देखने वाले हैं। इस कई सालों में ऐसा हुआ कि मैं निकल गया था पॉलिटिक्स की तरफ, और फिर वहाँ से फिर निकल गया, और मैंने पार्टनर और भगवा ये फिल्में की, परंतु इस फिल्म का मैं प्रमुख हीरो नहीं था, किरदार निभा रहा था, लोग पसंद करते आए हैं वर्षानुवर्ष, उसमें भी पसंद किया गया, उसके लिए धन्यवाद है, परंतु एज ए हीरो वर्षानुवर्ष आप लोग मुझे एज ए हीरो नहीं देख पाए। और मुझे दिल में लगा करता था कि इस वक्त आ जाते हैं तो राइट डिसीजन आवश्यक होता है, तो इस थॉट पे ही मैंने सोचा कि फिल्म की शुरुआत हो, टेक अ राइट डिसीजन, बी ए हीरो इज थॉट ऑफ दिस फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि राइट डिसीजन जिस वक्त लेता है आदमी, तो उस वक्त हर व्यक्ति में, हर आदमी में मुझे लगता है कि हीरो होता है, परंतु वो हीरो एज अ हीरो भाग तब निकलता है जिस वक्त वो राइट डिसीजन लेता है। तो मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स से निकला तो मुझे लगा कि ये बहुत ही राइट डिसीजन था। और फिर मैंने मेरी पत्नी से पूछा, सुनीता से, कि क्या मैं फिल्म बना सकता हूँ, मुझे लगता है कि वो राइट डिसीजन था, क्योंकि जिस वक्त तक आपके साथ में स्त्री शक्ति नहीं होती है आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिस वक्त तक मेरी ज़िंदगी में मम्मी की कृपा रही, मेरे माता जी का आशीर्वाद रहा, तब तक तो आप लोगों ने मेरा फिल्मों में आप लोगों ने कमाल देखा। साथ साथ पत्नी का जो साथ होता है वो आपके हार्ड टाइम में आपको समझ में आता है कि वो कितना महत्वपूर्ण होता है। वो कहते हैं कि आपातकाल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही सत्य है। इसमें जो मित्रगण है मैं धन्यवाद देता हूँ वो लोगों का, क्योंकि उनके माध्यम से
आप लोगों ने मुझे फिल्मों में देखा, जो स्टार्स हैं जहां जहां हैं उन सभी की तरफ से मुझे प्रेम मिला, चाहे सलमान खान हो, चाहे जो एक्टर हो, आप सभी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने बहुत मुझे सम्मान दिया। और आज यहाँ पे आदरणीय मनीषा कुराला आई हुई है और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस खास मौके पे, हालांकि बहुत लोगों को बुलाया गया था, आधा दर्जन मेरी जो एक्ट्रेसेस हैं, हीरोइन हैं वो आ रही है, सीडी सीडी चढ़ा हुई, नो प्रॉब्लम। तो आप आ रहे हैं सब, आप लोग आए हुए हैं, आप लोग ये नजारा लीजिए जो प्रवचन में दिया करता हूँ इंटरव्यूज के दरमियान ऐसा कृपया नहीं सोचिएगा कि ये फिल्म वैसी है, पक्का गोविंदा छाप सिनेमा है। आप लोग आप लोग एंजॉय करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच, और अब हम जो है इसकी शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूँ तो अब आगे कहने के लिए मेरे पास ज़्यादा स्पीच भी नहीं है और पॉलिटिक्स से निकला हूँ सबसे आज तक, तो स्पीच दी भी नहीं है, डर लगता है। लेकिन सर थोड़ा आगे हीरो के बारे में थोड़ा कुछ बताइए ना, कि मतलब किस तरीके का मसाला है फिल्म के अंदर? किस तो नहीं है इसमें मसाला है, हाँ पक्का है। और जीवन जो है वो सदैव प्रवचन शुरू कर दिया अभिनय प्रधान रहा है हर व्यक्ति का, कुछ लोग उसकी अनुभूति समझ पाते हैं, बाहर निकलते हैं उससे, और बाहर निकल के ऐसा अभिनय कर लेते हैं राइट डिसीजन लेकर कि लोग कहने लगते हैं कि भैया आ गए हीरो, क्योंकि हीरोज तो होते ही हैं हर जगह पे, तो अभिनय प्रधान जीवन तो होता ही है। परंतु हम लोगों के एतराफ में क्या क्या अभिनय, क्या क्या तरह तरह के लोग उस वक्त कर रहे होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो उसमें जब तक आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है तो आप करेंगे क्या, कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कॉमेडी बेस से आज तक हंसते हुए ये सब्जेक्ट कभी कहा नहीं गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा किरदार निभाऊं इसमें पुलिस वाले का जो हंसते हंसते ये सब समझाए कि भैया ये सब हो रहा है और इससे कैसे हम निकले। तो यंगस्टर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जिस वक्त इन्वॉल्व होते हैं और एक्ट कर रहे होते हैं तो आप फिर उस एक्ट के हिस्से में मुमकिन है कि आप उसमें ईश्वर ना करे कि फंसा दिए जाए, तो वो फंसे नहीं और उसमें से बाहर निकले, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप उसे देख पाए, देखेंगे तो अभिनय समझेंगे और फिर जिसको कर रहे होंगे तो फिर उस अभिनय का आप ऐसा हिस्सा होंगे जो उसमें फंसेंगे नहीं, उस तकलीफ से बाहर निकल आएंगे। तो ये है किरदार अभिनय चक्र का। और इसके अलावा जब इस वक्त आप लोग फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो आप लोग कहिएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ज़्यादातर मुझे पसंद आती है वो अच्छी रहती है, तो मैंने ये फिल्म कई टाइम देखी है और मैं मुझे ऐसा लगता है कि हो गया, ये ऊपर वाले ने अच्छी हिट फिल्म बनवा दी है मेरे हाथ से। तो आई होप कि बहुत चलेगी एंड आप लोग इसे वैसे ही देखेंगे जैसे होशा रोवर्ष गोविंदा की फिल्म आप देखते आए हैं। और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा कृपया, ये गोविंदा की फिल्म याद जरूर रखना, ये तो याद था, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये रंगीन कपड़े नजर आ रहे, ये क्या है, ऐसा पुलिस वाला आप लोगों ने पहले कभी देखा नहीं तो कृपया ये सब आप पहले ही आप लोग सोच लेना और उसके बाद ही ये पिक्चर देखने के लिए आइए आप। थैंक यू सो मच। और शिल्पा अभी तक नहीं आई रस्ते में प्रणाम करेगी, योगा नहीं करेगी। ऑलराइट। और इससे पहले कि वो आ जाए किसी से कोई सवाल जवाब कोई पूछना चाहिए। अब डांस होगा लगता है, योगा योगा नहीं डांस होगा। शिल्पा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज।
और ट्रेलर कैसा लगा आप लोगों को? एक नंबर, डबल ताली बजाइए। कहते हैं ट्रेलर तो हो गया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन हमारे पास नहीं होगा। जी सवाल पूछने लायक ही रखा क्या? माइक नहीं आप लोगों के पास? प्रेस वालों के पास माइक नहीं है? कैसे, कौन कह रहा है? जल्दी दो। जी जी उन फिल्मों में एक्टिंग हुई है, इसमें क्योंकि अभिनय प्रधान है तो एक्टिंग में एक्टिंग हुई है, और इसका नया हिस्सा वही है इस फिल्म का कि लाइफ में जो एक्टिंग आपके इर्द गिर्द आप जो हो रही होती है उसे आप तब तक नहीं समझ पाते जब तक तक आपका आपकी उस पर काश के उस पर आपकी नज़र हो, तो वो नज़र बहुत महत्वपूर्ण है और वो होगी तो आप उसमें आप एक्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये किरदार उस तरह का है मेरे लिए, ये काफ़ी ये फिल्म नया रहा और महत्वपूर्ण था कि ऐसा ही आप लोग मुझे इस तरह से इस टाइम देखने के लिए आए। गोविंद जी, आप खुद के अलावा किसे अभिनय के हिसाब से हीरो मानते हैं? क्योंकि हम तो आपको मानते हैं। जो जो हीरो हो गया वो हीरो है, इसलिए हीरो हो गया। चांद जिसे कबूल कर ले उसके हीरोइज्म पे कभी शक नहीं करते, उसमें कुछ तो खास होता है, और जिस आदमी में कुछ खास होता है वो खास कमाल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हीरो है वो हीरो है, इसलिए वो हीरो है। तो ज़रा सोच नहीं, जो है हीरो वो अच्छा है, वो कमाल है, और उस पर बाद में उसको नंबर के इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने फिल्में की हैं हीरो नंबर वन जैसी, परंतु मैं उसमें कभी विश्वास नहीं रहा। मुझे लगता है जो हीरो है वो हीरो है। एंड आजकल प्रमोशन का दौर काफ़ी तगड़ा चल रहा है, आपको भी हमने देखा कई जगहों पे। जी, तो इस दौर को किस तरीके से आप इंजॉय कर रहे हैं? एज अ प्रोड्यूसर आप किसी दौर पे आप इंजॉय नहीं कर सकते कभी। ये मैं कह रहा था, मेरी आदरणीय माता जी जिस वक्त कहा करती थी कि गोविंद जिंदगी में कोई जिस वक्त रोना हो तो उसका गाना बना लो। तो मैं कह रहा था कि हर प्रोड्यूसर कह रहा था कि हमसे तो बेड़ा भाई घर वाले भी यार, सुबह भी पींदे शाम भी पींदे। तो यह जिंदगी में लगा रहता, आप जिस वक्त हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत सी आपके पैसे लग गए हो फिल्म बनाने में, और उसमें खास तौर पे आप ये आदत पड़ी हुई हो जिंदगी में कि आप जहाँ जाएं तो आपका लोग इंतज़ार करें, या आपको लोगों हीरो की तरह कहें कि भैया ये ऐसे यहाँ बैठी है, उसके बजाय आप ख्याल करें हर व्यक्ति का, फिर आपके सम्मुख आए, और जिस वक्त आपके सम्मुख हो तो हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप यहाँ से निकल के क्या लिखेंगे। तो एटीट्यूड जो है उसी में बहुत सुधार आ जाता है, जैसे पति की आयु हो जाती है तो उसमें बहुत सुधार आ जाते हैं। तो पत्नी को ज़्यादा समझने लगता है, उसे ज़्यादा समझ में आता है ज़िंदगी। बाय द टाइम दे रियलाइज हाउ टफ इट इज़ टू बी अ वूमन ना, वो काफ़ी ओल्ड हो चुके होते हैं। तो है ये ज़िंदगी तो उसी का जर्नी है, ऐसी ही जर्नी है। तो करता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, कह रहा हूँ ऐसा कि मैं कर रहा हूँ। सो यू नो, जैसे आपने मेंशन किया कि यहाँ पे स्ट्रेट सेंटर, जी जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी सोलो हीरो फर्स्ट सोलो हीरो फिल्म है आफ्टर 15 इयर्स, सो इसके बाद आप कैसे आपके फिल्म चॉइसेस करेंगे? आप पार्टनर और भागम भाग जैसे टू हीरो फिल्म्स करेंगे, या आपका कॉन्सेंट्रेशन अब सोलो फिल्म्स पे ही? उस पर डिस्कस करके इसे अभी फिलहाल मैं नज़रअंदाज कैसे कर लूँ, वी विल हैव टू वेट। मैंने जिस वक्त ये मैं रिड्यूस कर रहा था, हालांकि अभी तक पूरी तरह से नहीं कर पाया हूँ, तो दो सब्जेक्ट लिखे थे मैंने, ये समुद्र पे रन कर रहा था मैं और काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था, तो ये आ गया हीरो, और साथ साथ में राजू माइंड ब्लोइंग,
ये दो फिल्में हैं, अभी नेक्स्ट का फिर सोचा जाएगा। हेलो गोविंदा सर, मैं मधु हूँ द बस डायरी से। तो आपने याद दिलाया तो हमें समझ में आया कि 15 साल हो गए और आप अब हीरो बन के आ रहे हैं, पर ऐसा हमें तो लगा नहीं। हम कोई भी फिल्म देख लेते हैं तो लगता है बस आज के ही हीरो हैं और कल ही की फिल्म है ये और बस सिलसिला चल रहा है। तो आप बहुत सारे किरदार देखे आपके, आपके फॉलो भी कर रहे हैं। मैं रंगीन कपड़े खुद ही पहन के आई हूँ, मैंने कहा गोविंदा के ट्रेलर ऑन कराए तो होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। तो हमने तो बहुत सारे किरदार देखे आपके, पर आप पब्लिक लाइफ में मतलब थोड़ा सा कम रहे हैं, कम बोलते हैं, जैसे थोड़ा संजीदा हैं। तो ऐसा कौन सा किरदार था जिससे हम रिलेट कर सके कि ये मतलब आप कहेंगे कि इसमें मतलब असली गोविंदा की एक झलक थी? पर्सनल टच मेरी हर फिल्म में होता है, परंतु पूरी फिल्म जो है मैं उसे कभी वो नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जिंदगी में आप उतना ही उसमें आप कर सकते हैं, परसेंटेज टच दे सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत ये अवसर मिले फिल्मों के दरमियान जैसे आप कह रही हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा सा होता है टच, पर्सनल टच जो कहते हैं, ज़्यादा नहीं कभी। तो मतलब असली गोविंदा निकल के नहीं आया, मतलब आपने ज़्यादा अपने बारे में बोला नहीं है। जिस वक्त आप किरदार निभा रहे हो उसमें आपको असली गोविंदा करने की क्या आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त किरदार निभा रहे हो तो वो किरदार जो आप भूमिका निभा रहे हो उसी की तरह आपको लगना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने वो असली गोविंदा तो हो ही नहीं सकता ना, क्या है कैसे तो, वो भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू गोविंदा जी। यहाँ पे चलो कहीं पर भी बोल गोविंदा जी, 15 साल के बाद जब आप ऐसे हीरो आ रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं अपनी मतलब इमेज को लेके कि मुझे अभी फिर से वैसे नजर आना है एक बार? लोग नहीं है कॉन्शियस आपको लेके, आप है खुद? ये डर आर्टिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भय नींव हो जाता है आपके अच्छे कर्म की, हार्डवर्क की, तो ये महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के जो भय है वो काश के नींव हो पाते, परंतु ये जो भय है आर्टिस्ट का ये बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए, यहीं से तो वो निकलता है। जिस वक्त डर लग गया था कि मम्मी पूरे घर परिवार में सब घर परिवार वही संभाल रही हैं, तो ये भय लग गया था मुझे, इसी भय की वजह से मैं निकला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप आपके डर से आगे निकलते हैं तो फिर जीत से मुलाकात हो ही जाती है। लाइक अभी सलमान खान से लेकर और ऋतिक रोशन आज भी वो बोलते हैं कि आप आ जाते हैं तो पर्दे पे कोई और नज़र नहीं आता। लेकिन मतलब मुझे यही पूछना था कि आप जब हम लोग पर्दे में आपको देखा तो आप वैसे ही लग रहे थे, लेकिन मुझे पर्सनली आपको देख के लगा कि आप काफ़ी कॉन्शियस है अपने। हाँ, मैंने जो अब जो हुआ है ऐसा, ये सच है। क्या है, आप जिस वक्त ऐसी जगह चले जाते हैं जो आपका विषय नहीं हो तो वो आपके लिए सुखद अनुभव नहीं होता उस वक्त। मैं पॉलिटिक्स में जो उस वक्त गया था वहाँ से जो मैं निकला हूँ, मैं अब तक इसी में लगा हुआ हूँ कि मैं पुनः वैसा हो जाऊँ जैसे कि मैं हुआ करता था, परंतु मेरी वैसी सोच ही नहीं रही है। मेरी मुलाकात करता हूँ, मैं लोगों से मुलाकात करता हूँ, उन लोगों से उनके विषय समझता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो बेफिक्री जो थी वो थोड़ी सी निकल गई है, ये सच है। परंतु जिस वक्त आप लोग ये फिल्म देख रहे होंगे तो उसमें आप ऐसा नहीं महसूस करेंगे, वो हार्डवर्क हुआ है उसके, तो वो हाँ वो हो गया ऐसा। मेरा एक लास्ट सवाल है कि रजनीकांत जी जैसे पर्सनल लाइफ में काफ़ी रिजर्व्ड और काफ़ी अलग है, हाँ, और फिल्मों में वो रॉबर्ट और वो सब अलग टाइप, वैसे आपके लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि आप पर्सनल लाइफ में जितने सीरियस हैं और असल मतलब पर्दे पे उसके अपोजिट है एकदम। Somebody is laughing at you, you know? हाँ, रिजर्व्ड हो रहा हूँ, ऐसे ही सीरियस रहते, मामी सामने बैठी है ना। उसके साथ तो सब डर लगने लगता है। हेलो सर जी। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल है कि सर अभी आपने ट्रेलर में हम लोगों ने देखा कि आपने बहुत बढ़िया से मतलब स्टंट्स किए हैं जी, तो स्टंट्स करते समय आपको कुछ अड़चने हो गए? नहीं, वो पैसे लग जाते हैं आदमी स्टंट करता है। नहीं, मतलब इसके पहले वाले पिक्चर में कभी स्टंट में देखा नहीं आपको? उछलने लगता है जो सदियों से नहीं उछला हुआ वो भी उछलने लगता है, हो जाते हैं स्टंट्स। ये जो पहले कभी नहीं किए वो स्टंट किए इसमें, ये सच है। मुझे भी नहीं लगा था कि मैं ये स्टंट सब कर पाऊंगा इस फिल्म में। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि लगा कि ये सब
लगा के डर लग गया था कि फट फुट ना जाए सर, पर परंतु वो हो गया। इच्छा इच्छा शक्ति जो है, आज सरस्वती पूजन का दिवस है, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की इच्छा शक्ति और उसकी कल्पना शक्ति अच्छी हो तो वो कामयाब हो जाता है। तो इच्छा तो बहुत थी और कल्पना जो है वो वर्क कर गई, तो अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद काफ़ी करीब है, जिस वक्त सिनेमा देखेंगे आप तो लगेगा कि हाँ ये जो कह रहे थे वही है, वरना मैं डर जाता हूँ तो मैं कह देता हूँ कि मेरी बैंड बजी है। गोविंदा जी, जैसे हीरो का जो टाइटल है वो आपके लिए हमेशा लकी रहा है, तो इस टाइटल को खास वो हीरो और अगर लकी चाम देने के लिए दिया था या? यू आर राइट, 20 वर्ष पूर्ण हो गए हीरो नंबर वन फरवरी 21 में, और मुझे ऐसा लगा कि ये आ गया हीरो जो है ये इसका राइट टाइटल रहेगा, और मैंने सोचा कि ये लकी था तो विल यूज दिस सेम टाइटल एंड आ गया हीरो इज द टाइटल। और घर की फिल्म है, अभिषेक को लेने के लिए नहीं सोचा? फिल्म घर की नहीं है, पूर्ण सपोर्टर पर उनके लिए कोई रोल नहीं था भाई जी के लिए? पैसा लगाया उन्होंने को अपना? नहीं नहीं, अभी वो ये बहुत कृपा रही, ये मम्मी का आशीर्वाद रहा है कि घर परिवार में जो जो सदस्य हैं सब अच्छे आर्टिस्ट हैं और अच्छा वर्क कर रहे हैं, और मशहूर है ये बात कि आप पुनः वहाँ आ रहे हो कि भैया आप आ जाए हम आ जाएंगे। तो जिस वक्त मैं आया था मैं विरार से अकेला ही निकला था, और उसके बाद में घर परिवार में इतने सारे आर्टिस्ट आ गए हैं, मैं पुनः आ गया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत से आर्टिस्ट आएंगे, फिर आप फिर देखने मिलेगा, तो ये लोग तो फिर तो है ही है हीरो। गोविंदा जी, रवि सलमान के साथ किस तरह की बॉन्डिंग थी वहाँ पर, इस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? मैं गया था वहाँ पे, और ये देखिए कमाल का, मैं कह रहा था जैसे कि एज अ हीरो जिस वक्त मैं आया तो ऑल द हीरोज एंड माय हीरोइन दे हैव स्टूड बाय मी, द होल फिल्म इंडस्ट्री हैज स्टूड बाय मी, एंड मुझे ऐसा लगा कि ये संपूर्ण एक घर परिवार है, और ऊपर वाले ने बहुत ही मेहनत के साथ ये वर्षानुवर्ष सदियाँ निकल गई और ये हुआ ऐसा। और सूक्ष्म दृष्टि से जिस वक्त आप जीवन देखने लगते हैं तो साफ साफ नज़र आता है कि ये हम सब हैं जो एक उसी कृपा से, चांद की कृपा से ये सब सितारे इकट्ठा हैं और ये सदैव रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो जो लोग इसके आत्मसंबंध समझते हैं, जैसे सलमान खान है वो ये आत्मसंबंध समझते हैं, तो वो लोग डिफरेंट होते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, और उनके जो भाव होते हैं फिल्म आर्टिस्ट लोगों के प्रति वो कभी गलत नहीं होते, तो वैसे हो गए हैं, तो अच्छा ही लगा। गोविंदा जी, यहाँ रवि जी, यहाँ स्टेट स्टेट कहाँ भैया? सर सर देखिए गोविंदा जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि ट्रेलर देखा तो ट्रेलर में हमें 80 और 90 के दशक की का जो सिनेमा होता था और जिस तरह की आपने काफ़ी फिल्में की हैं, बहुत सुपरहिट भी रही हैं, उस तरह की झलक देखने को मिली, लेकिन 2000 के बाद सिनेमा का जो कलेवर है वो बदल गया, उनका रूप अलग हो गया है। हाँ, ये दुविधा थी आपके मन में कि 80s और 90s के सिनेमा की तरह ही सिनेमा बनाऊं, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ हीरो, या एक नए तरीका का सिनेमा बनाऊं, क्योंकि सिनेमा बदल गया है बहुत काफ़ी 15 सालों में, तो कोई ऐसी दुविधा थी आपके मन में? मुझे शुरू से, चाइल्डहुड से ये मुझ में रहा है कि मैंने दुविधाओं को सुविधाएं बनाया है, और उसे ऐसे बनाया कि मुझे ये नज़र आया कि जो अमेरिकनाइज्ड हो जाता है जिस वक्त सिनेमा, तो उस वक्त सब शॉर्ट पहन के बाहर निकलते हैं, आर्टिस्ट जो है अलग घूम रहे होते हैं और कोई अलग नज़र आते हैं, तो परंतु हम लोगों की भूमि की ये खासियत रही है कि ये दैवी स्थान है, और इस दैवी स्थान में शक्ति की जो है उपासना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में जो है आज भी ऐसा नहीं लगता है कि आप वो फिल्म देख रहे हैं जो कहीं और आपको देखने मिल जाए, वो लोग दक्षिण के जो हैं वो दक्षिण से जुड़े हुए हैं। मेरी जितनी भी आपने सब सुपरहिट फिल्में देखी हैं वो सब दक्षिण की रही हैं, चाहे वो आंखें हो, शोला शबनम हो, राजा बाबू हो, कुली नंबर वन हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, हीरो नंबर वन हो, जितनी भी फिल्में हैं सब दक्षिण की रही हैं, और मेरा नाम गोविंदा जो है वो दक्षिण का है, मैं सदैव दक्षिण को गुरु ही मानता आया हूँ वर्षानुवर्ष, और मुझे लगता है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा,
ये दक्षिण की जो कृपा है और ये जो संस्कृति है ये किसी भी सूरत में कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मैंने और सलमान खान ने साथ में मुलाकात जिस वक्त की तो हम लोगों ने ये सोचा कि दक्षिण मुंबई की तरफ आ जाए तो ये अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। साथ में आर्टिस्ट लोग जो हैं तो हर किसी का अभी देख रहे हैं, अब तो प्रोडक्शन उनका हाउस हो गया है और प्रोडक्शन हाउस में वो फिल्में बना रहे हैं दक्षिण की तरह और वो सब कामयाब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सोचा था और ये सोच में मैं पहले नहीं आ पाया, आखिर में आया हूँ। ये हो सकता है कि मेरे भाग्य का हिस्सा रहा हो, परंतु अब आ रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ। और ये 80s का सिनेमा और ये अभी जितनी भी फिल्में हिट हुई हैं वो सब आप देखिए, सब दक्षिण की है, चाहे वो दबंग रही हो, चाहे वो अक्षय कुमार ने जो फिल्में की हो वो हो, उसके गीत वैसे रहे हैं, उनके कपड़े वैसे रहे हैं, सोच वैसी रही है उनकी, तो ये सब लकी रहेगा, आप बेफिक्र रहिए। मुझे ऐसा लगता है जिस वक्त एंटरटेन होता है आदमी तो ये सब चीज़ें नहीं सोचता। एक और एक यू गो बियॉन्ड द लुक्स। एक आखिरी सवाल कि आपने बहुत सारी फिल्में भाई के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी की हैं, आप इसमें ही आप प्रोड्यूसर भी हैं फिल्म के, तो कई बार ऐसा होता है कि फिल्म ओवर बजट हो जाती है और प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की आगे फिल्म प्रोड्यूस करने में, तो ये फिल्म बनाते वक्त कहीं ऐसा कुछ ये सब ध्यान में था आपके जो पहले का अनुभव है, और इस बार कुछ बजट से उम्मीदें जो ना पूरी हुई हो आपकी? मैं सिर्फ आगे निकला और मैंने सोचा कि ये सब ना सोचें। जिस वक्त आप सब ये सब सोचने में लग जाते हैं और आप होश में आ जाते हैं तो आप फिल्में नहीं बना सकते। फिर फिल्म बनाने के लिए आपको उसकी उसके उसमें रहना पड़ता है थॉट में, और आपकी जो कल्पना है वो टॉप पर होती है जिस वक्त, तो फिर आप उसे रच सकते हैं फिल्म में। तो मैं केवल मेरा पूर्णतः मैं कल्पना में मेरे रहा, और सरस्वती तभी उसका रूप धारण करती है जिस वक्त कल्पना उसकी जो है कामयाब हो जाती है। थैंक यू सो मच, और मैं धन्यवाद दूंगा शिल्पा का, आदरणीय शिल्पा का और आदरणीय मनीषा का और हर उस आर्टिस्ट का जो साथ दिया है। आगे सब लोग ऐसे कहना पड़ेगा, तमीज भी रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आई वुड मनीषा जी के लिए एक बार ताली बजाना चाहता हूं कि मनीषा जी स्टेज पर आए, मैं एक बार ताली बजाइए ना आप। मनीषा जी वेलकम यार, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद सर? आप लोगों ने महाराजा फिल्म साथ में की थी। ही इज फिनोमिनल परफॉर्मर, फिनोमिनल एक्टर। इट्स माय ऑनर, माय प्रिविलेज दैट ही इज बीन लाइक माय हीरो, समबडी आई हैव ऑलवेज अडोर्ड, वेदर इट्स डांसिंग, वेदर इट्स कॉमेडी, वेदर इमोशनल सीन्स, यू नो ही इज नंबर uno। ऐसा कोई मोमेंट था जब आपने कभी सोचा कि ये आ गया हीरो, यू नो यू फील कि मैं जब शूटिंग करी? I think many times. No, he's fantastic. I've enjoyed working with him, you know, throughout. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Give it to me. Shilpa ji, please aaiye. Shilpa ji ke liye zordar taaliyan ho jaye. Shilpa ji. Nahi, aap bahut pretty lag rahi hain, bahut achhi lag rahi hain aap. शिल्पा जी आपसे पूछूंगा, हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद सर? तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, जब मैंने बाजीगर पिक्चर की थी तो मेरा स्क्रीन टेस्ट नहीं किया था जी। लेकिन व्हेन आई वाज सपोज्ड टू डू माय फर्स्ट फिल्म विद चीची, आई वाज कॉल्ड इन फॉर अ स्क्रीन टेस्ट बाय के रविशंकर और तभी आंखें रिलीज हुई थी एंड मैं बहुत बड़ी फैन थी गोविंदा गोविंदा के साथ मुझे स्क्रीन टेस्ट कर रहा है, तो आई रिमेंबर स्टैंडिंग, आई थिंक यहीं पे अंधेरी में हम लोगों ने वो स्क्रीन टेस्ट किया था उस बंगले पे, तो ही वॉक्ड इन और वो जो दृश्य है मैं आज तक भूल नहीं सकती, बिकॉज दैट वॉज रियली यू नो चीची वॉकिंग इन थ्रू द गेट्स, ही वॉज वेयरिंग वाइट, आई स्टिल रिमेंबर दैट, इट वॉज 20 years अगो, और लोग चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, गिरते पड़ते ऑटोग्राफ मांग रहे थे क्योंकि आंखें तभी रिलीज हुई थी, इट वॉज क्रेजी। And that was, you know, truly the title of this film. And I was like, "Hero aa gaya." And I was like, "Main apne sare dialogue bhool gayi thi." And it was actually Chichi that that jo thoda bahut agar mujhe compliments milta hai logon se aaj bhi apne dancing pe,
जो थोड़ा बहुत मैं सीख पाई हूँ इस इंडस्ट्री में, द फर्स्ट टीचर वॉज चीची ऑन माई आउटडोर. ही वॉज द वन हु टॉट मी हाउ टू से माई डायलॉग्स, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग में ट्रेनिंग नहीं दी थी ली थी. और मुझे याद है हम लोग गोभी चट्टी पलयम में शूट कर रहे थे, मैं काली हो गई थी, मैं ऑलरेडी थोड़ी सी काली हूँ, आई वॉज बॉर्न टैंड, बट चीची, आई वॉज वेयरिंग दिस आउटफिट, आई वॉज वेयरिंग समथिंग इन वाइट. हम लोग वो शॉट कर रहे थे, यू रिमेंबर? डोंट टेक दिस शॉट, सो टेरेबल, ये आएगा, ये गंदा सा शॉट. सो एनी वे, हम लोग वो, मैं डांस कर रही थी, मैं फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी आंखें जो है ऐसी हो गई थी, बिकॉज इट वॉज हॉट, इट वॉज सम 45 degrees Celsius. और मैं वाइट कपड़े पहन के, मैं काली हीरोइन वहाँ पे खड़ी थी धूप में, मैं पूरी तरह से टैन हो गई थी. चीची कम्स और मैं आधे घंटे से वहाँ पे रिहर्सल कर रही थी कि चीची के साथ मुझे डांस करना है तो मैं पागल लगूंगी. तो आई हैव रिहर्स्ड विद द डांस कोरियोग्राफर. चीची आए, हाँ क्या है स्टेप, तो उन्होंने कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप वेब सारा दिखाया, जो थोड़ा बहुत मैंने आधे घंटे से मैं सीख रही थी वो मैं भूल गई, क्योंकि चीची स्टेप करते नहीं है, चीची समझते हैं और इमोट करते हैं स्टेप को. तो वो डांस कब, तो एक्चुअली जब मैं पूरे ट्रेलर को देख रही थी, उनके गाने को देख रही थी, मैं चीची को बोल रही थी, मैं आपकी डांसिंग को देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आप जो भी करते हैं आप डांस अपने चेहरे से करते हैं, बिकॉज यू डोंट नीड टू सी हिम डांस, यू सी अ क्लोज अप ऑफ गोविंदा एंड यू फील द मस्ती, यू फील द एनर्जी. एंड आई रिमेंबर दैट शॉट, मैं ट्राई कर रही थी, आई थिंक कुछ 10 रीटेक हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वजह से. तो आई थिंक वो थक के उन्होंने मुझे साइड में लिया, अपनी काली हीरोइन को साइड में लिया उन्होंने और बोला कि फील द स्टेप. एंड फ्रॉम दैट डे ऑन दैट्स व्हाट आई डिड. सो दैट यू नो व्हाट यू सी ऑफ मी ऑन स्क्रीन नाउ, वेन एवर आई डू अ डांस आई थिंक कि अगर गोविंदा होते तो कैसे करते इसको. So I try to always copy that, and that really I mean it from the bottom of my heart. He is an actor par excellence. Isme kehne wali koi baat hi nahi hai. So he's somebody we have admired, like Manisha said. Started out as a fan, ended up making a friend, and I'm here not as an actor but as a friend, and I really. I feel very happy in whatever he does. I think जो उनकी smile है वो बहुत pure है, और बहुत कम लोग हैं जो अपने innocence को इतनी देर तक रख पाते हैं. वो innocence चीची में है और वो बरकरार रहे, and that is something I learn from him every day. And I really wish you all the very best, Chichi. Really. Thank you, Shilpa ji. Thank you very much. हो गया मेरा भी. अभी चीची और मैंने 6 फिल्में की, सारी पिट गई. और गाने हमारे सारे सुपर हिट थे. हाँ, और गाने आपके सारे सुपर हिट, कुछ गानों पे तो हमारा केस भी चल रहा है. हाँ, कुछ उधार अभी भी बाकी है. हाँ यार, मत पूछो यार. हाँ, एक स्टेप. What was our famous step? Huh? Oh God! चीची के साथ डांस करना, मैंने ऑनेस्टली प्रभु देवा तक के साथ मैंने शूटिंग की. आई नेवर फेल्ट नर्वस डांसिंग विद प्रभु देवा, बट द वे आई यूज टू फील नर्वस डांसिंग विद चीची, बिकॉज चीची वुड कम इन अ मिनट, लर्न द एंटायर स्टेप, और हम लोग मतलब पागलों की तरह लगे रिहर्सल कर रहे हैं, और हम लोग कुछ भी करे फ्रेम में सिर्फ चीची ही दिखने वाले थे. सो इट वॉज रियली फ्यूटाइल. सो या, थैंक यू सो मच. आप लोगों की आरजुएं ख़त्म नहीं होंगी कभी. थैंक यू सो मच. मैं चाहूँगा कि हमारा इधर आइए, आप धन्यवाद दे दीजिए. मैं कह रहा था कि दो नहीं है, हमारे 3 हीरोइनें हैं यहाँ पे. तीन हीरोइन हैं. यू कम एंड से थैंक्स कश्मीरा. नहीं मैं तीसरी, एक मिनट डिस्कशन चालू. गाना है अपने पास? गाना है
माइक लेता सरी गा दें. अच्छा हाँ एक कोई गाएगा बढ़िया कोई कौन गाता. एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में केस चल रहा इसलिए आगे नहीं गाया मैंने. मनीषा जी प्लीज. अच्छा मैं तीसरी हीरोइन की बात कर रहा था. मेरी मामी सुनीता जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज. ये असली फाइनेंसर हैं फिल्म की. पैसे यही निकाल निकाल के देती थी शूटिंग के लिए. फाइनेंसर सबसे बड़ी चीज होती है. हम लोग बाहर चलते हैं. आइए बस आप लोग वन एंड ऑन क्या बोलते हैं वन ऑन वन आप लोग बाहर कर लीजिए प्लीज.